पुलिस की एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि को बताने में मुझे काफ़ी खुशी हो रही है, जिसमें CSP गोरखपुर, उनके स्क्वाड के जो मेंबर हैं धनंजय मिथिलेश व थाना प्रभारी खंडाते के मार्गदर्शन में एक 15,000 का एक कुख्यात हत्या का आरोपी विजय यादव को घर दबोचा गया है। विजय यादव पे 2011 में अक्टूबर नवंबर में दो घटनाएं हुई थी। एक तो होंडा पेट्रोल पंप पे कैलाश कुमार पर एक गनागन गोलियां चलाई गई थी, उसमें ये मुख्य आरोपी था। वह उसके एक महीने बाद बिट्टू मिनोचा हत्याकांड हुआ था, जो भी वो भी नवंबर 2011 का ही इंसिडेंट था। इसमें ये तब से फरारी काट रहा था, ये बहुत ही खतरनाक मुजरिम है विजय यादव। इसको 23 से 2014 यानी कि आज की दरमियानी रात को थाना अंतर्गत इसको दबोचा गया है। श्रीमान पुलिस संबंधित अधिकारी हैं, उनको प्रश्न कहाँ आया था? ये जलेरी घाट में आया था। तो मुखबिर की सूचना पर ये था कि इसको देखा गया है। शहर किसी काम से आया हो या कोई वारदात? ये वैसे फरारी काट रहा था बीच में किसी काम से। अभी विवेचना और स्पष्ट हो जाएगा कि इसका मेन उद्देश्य क्या था, कि घटना कोई और कार्य करना था या ये अभी विवेचना स्पष्ट हो जाएगा बीच में और इसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा। 2.5 साल में कभी शहर आया है ये वारदात? नहीं, अभी नहीं। ये धार्मिक स्थलों पर उन्होंने फरारी काटी है ऐसा इनका। लोडेड पिस्टल इसको ये भी इसे जब्त की गई है। कहाँ से आई?